देखिए, किसी ने एक सवाल किया है, सवाल ये किया है कि जैसा कि मैंने बहरहाल दर्स में बताया कि इंसान के लिए उसके जिस्म के तमाम अज़ा को छूना, मतलब इंसान से मुराद मियाँ बीवी, फिर याद रखिए, तमाम अज़ा को छूना और देखना जायज़ है। तो सवाल ये कि हमारे शौहर हमें मजबूर करते हैं कि जो हम उनकी शर्मगाह को वो करें, जबकि इस मामले के लिए हम राज़ी नहीं हैं, तो याद रखिए ये वैसे दुरुस्त नहीं है। इस मामले पे एक लंबी बहस वखा की आपको मिलेंगी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। आप उनको समझाइए, आप उनको मनाइए और इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने कहा कि वो मेरे लाख ना मौजूद, मतलब ना चाहने के बाद भी ऐसा करते हैं, तो आपकी कराहत पे उन्होंने अमल करना चाहिए। और इस चीज़ को देखिए, एक चीज़ कभी जायज़ होती है लेकिन अगर वो पसंद ना करे तो वो भी इस्लाम में दुरुस्त नहीं। जायज़ है लेकिन अभी दिल नहीं है किसी का, तो भी वो दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह से करना तो बिल्कुल शरण दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा आप उनको रोके, उनको टोके। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप मजबूर कर दी जाए तो मुख्तलिफ तरीक़े आपके पास है, आप उस चीज़ को, उस चीज़ से निकल सकते हैं। मैं समझता हूँ हर चीज़ समझाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, कभी दांत तेज़ भी हो जाते हैं, कभी जो है कुछ भी हो सकता है। बहरहाल तो उसे भी चाहिए कि एहतियात करे, बहरहाल मतलब इंसान है, होता है कभी। बहरहाल तो आप ज़्यादा होशियार है, किसी नौकर को अगर ज़्यादा काम दिया जाए तो वो क्या करता है ना, मालूम ना, कभी चीज़ को फेंक देता है, तो आइंदा बोलते इसको ज़्यादा मत दो, फेंक देता ही। तो यू हैव आपके पास बहुत से रास्ते हैं, अगर निकलना चाहे तो। बहरहाल बहुत चीज़ें हैं, बहरहाल आप कोशिश करें तो क्या कुछ आपके पास नहीं। बहरहाल समझ जाइए मेरा इशारा, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है।